मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, 9 अक्टूबर को ये वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी 2025 तक का वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। कर्क राशि वाले जो कि ढैया से बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनके लिए कठिन समय में भी जीत पक्की होने वाली है, ऐसा सुंदर योग गुरुदेव बृहस्पति बनाने वाले हैं। आपकी कुंडली में गुरु की अपार कृपा बरसने वाली है। जब भी कोई ग्रह मित्रों वक्री होता है तो वो पावरफुल हो जाता है, पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत हो जाता है, और पावरफुल ग्रह जब फल देने पे आए तो या तो बहुत बुरा कर डालता है या बहुत अच्छा कर डालता है। आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति भाग्य का स्वामी है और बहुत अच्छी जगह पे गोचर कर रहा है, यानी कि एकादश भाव में गोचर कर रहा है। यहां पर जब गुरुदेव बृहस्पति लगभग 27 डिग्री के हो करके वक्री होंगे तो पुनः पीछे की तरफ आते हुए प्रतीत होंगे। हालांकि ये रहेंगे 11वें भाव में ही, लेकिन लगभग 60 डिग्री के आसपास तक का ये वक्रतम अवस्था में रहेंगे, जिसके फल स्वरूप कर्क राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना वरदान साबित होगा, क्योंकि भाग्य आपका तेजी से कई गुना ज्यादा साथ देना शुरू कर देगा। दैवी कृपा जब बनती है, भाग्य साथ देता है, तो मान के चलिए एक तरफ जहां शनि आपके कर्म भाव को रोक रहे हैं तो वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति आपके कर्म भाव को बढ़ाने का इस अवधि में काम करने वाले हैं। नौकरी करने वालों के लिए उन्नति के मार्ग खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्रमोशन वगैरह रुका है तो इस अवधि में प्रमोशन होने के प्रबल योग बन जाएंगे। आपके जो सीनियर वगैरह हैं वो आपका सहयोग करने लग जाएंगे, क्योंकि एक तरफ भाग्य आपका साथ देगा और दूसरी तरफ भाग्य आपके साथ दे रहे हैं। अगला शुभ प्रभाव विद्यार्थियों को, प्रेमी जोड़ों को भी मिलने वाला है, उसका भी कहीं ना कहीं आपको जबरदस्त तरीके से फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप यात्रा वगैरह करते हो तो यात्राओं से लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके कुंडली में यात्रा का भी डिपार्टमेंट गुरुदेव बृहस्पति के पास होता है। इसके अलावा पंचम भाव जब आपका बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, गुरु का ज्यादा प्रभाव पंचम भाव पर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है आप जो भी डिसीजन लोगे डिसीजन साबित सही होंगे। और दूसरी चीज, नकारात्मकता आपके अंदर से दूर होगी, सात्विकता आपके अंदर वास करेगी। गुरु की कृपा से शत्रुओं से भी इस समय आपको मुक्ति मिलेगी। वो क्यों मिलेगी? क्योंकि वक्री गुरु जब पंचम भाव बढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है एक भाव जब बढ़ता है तो अगला भाव स्वतः ही कमजोर पड़ जाता है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, तो आने वाले समय में गुरु की कृपा से रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप बीमार चल रहे हैं या कोई भी कर्क राशि का व्यक्ति बीमारी अवस्था में है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। शत्रु आपके ज्यादा हैं तो शत्रुओं से कहीं ना कहीं आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके पास कर्जा बहुत ज्यादा है तो धीरे धीरे, चूंकि गुरु आमदनी भाव में बैठ करके एक तरफ भाग्य को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ आय के कई प्रकार के सोर्स आपके बढ़िया तरीके से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। संतान नहीं है तो आने वाले समय में गुरुदेव की कृपा से संतान प्राप्ति होगी। महिलाएं यदि गर्भ धारण करना चाहती हैं, इस योग्य हैं, तो मान के चलो वो कंसीव करेंगी। वैवाहिक जीवन खुशियों से आपका भर जाएगा। शादी के योग्य आयु है तो वक्री गुरु की कृपा से आपकी शादी हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव रिस्पांस आपको बहुत ज्यादा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव पंचम भाव पे, द्वितीय भाव पे पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप वाणी में मधुरता, परिवार का अपनों का जबरदस्त तरीके से सहयोग मिलना, और सप्तम भाव पे। तो अगर पार्टनरशिप वगैरह में कोई काम करते हो तो वह भी बनेगा, शादी भी होगी, संतान भी मिलने के योग बन रहे हैं और आय के स्रोत खुल रहे हैं और पैसे की आप बचत भी कर पाओगे। वाणी बहुत
ज्यादा आपकी मधुर होते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में शनि से आपको डरने की जरूरत नहीं है। उपाय के स्वरूप ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का थोड़ा जप कर लेना, और अगर करते हो तो अच्छी बात है, तो इससे गुरु को और भी ज्यादा बल मिलेगा और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको लंबे समय तक का गुरुदेव की कृपा से मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः लिखिएगा या अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं, नमस्कार।